आज हम बात करेंगे बदलते मौसम की वजह से जो हमें डिफरेंट बीमारियां हो रही हैं, फ्लू फीवर्स पेन है या उसकी वजह से जो बॉडी में लेथार्जिक हो जाती है उस पर, ये तमाम चीज़ों का जो इंसानी खुराक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जहाँ पे बच्चों की ग़ज़ा का ग़ज़ाइत का ख़ास ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर कुछ ऐसे फूड न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स हैं और ऐसी कुछ माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसीज है जिनको ओवरकम करने से हम अपनी हेल्थ पे अपनी सेहत पे काबू पा सकते हैं। यहाँ बताती चलूँ, जैसे कि एज अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, क्योंकि आजकल जो ये सीजनल चेंजेस हैं, वेदर चेंजेस हैं, एकदम मौसम सरमा से वक्त जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होके मौसम सरमा की तरफ बल्कि मौसम बहार की तरफ आ रहा है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन लोगों की कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा सीजनल डिजीज़ में आ जाते हैं। लाइक टू से दैट उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, उनकी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही होती या उनकी बॉडी ट्रिगर नहीं कर रही होती, तो वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आते हैं जिसमें पट्टों का खिंचाव, आपके जिस्मानी तनाव या इस तरह की डिफरेंट जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। यहाँ पर बताती चलूँ कि ग़ज़ा में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल करने से जो कि आपकी बॉडी को एक्टिव अलर्ट और बिल्कुल हेल्दी रखती हैं, उनमें एक तो सुबह सुबह निहार मुँह लहसुन के एक या दो जुए जो होते हैं छुपाए जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जहाँ पर वो आपके हार्ट को हेल्दी रखता है वहाँ पर आपको बड़ा हाइपर एक्टिव और यू कैन से कि आप अच्छी तरह से ज़िंदगी के मुरे खाना अंजाम दे सकते हैं। यहाँ बताती चलूँ कि कुछ ऐसे गज़ाई जनास जो कि हमारी ज़मीन हमें देती है, और हमारी ज़मीन में ही वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, और जब भी हम अपनी ज़मीन की बात करते हैं तो ज़मीनी सब्ज़ियों की बात होती है, और जब भी सब्ज़ियों की बात की जाती है तो उसमें हमारे पास पालक, पुदीना, मेथी और इस तरह की तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जो कि फुल ऑफ माइक्रो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर है। अब इनका प्रॉपर मिकदार में मुकर्रा वक्त पे इस्तेमाल ये आपके लिए जानना बहुत लाजमी है। यहाँ बताती चलूँ कि मोस्ट स्पेसिफिकली वो लोग जो कि अपनी अपनी एज, वेट, हाइट यानी आपकी उम्र क्या है, आपका वज़न क्या है और चेंजेस को देखते हुए कि कोई चेंजेस इंस्टेंटली रीसेंट चेंजेस तो नहीं हो रही, कोई आपका एकदम वेट गेन तो नहीं हो रहा, कोई वेट लूज़ तो उस तरह से नहीं हो रहा, तो हमेशा जब भी आपकी बॉडी में कोई चेंजेस होती हैं या सीजनल चेंजेस होती हैं तो उसके पीछे जो एक बेसिक जो आपकी बॉडी का ताल्लुक है वो खुराक से होता है, और ख़ुराक में नंबर वन पॉइंट इज़ दिस के कीप योर पोर्शन साइज़ कंट्रोल। मतलब अगर आपने दो से तीन या चार चपाती खा रहे हैं तो उसको आप एक से या दो से रिप्लेस करें, हेल्दी फूड करें, बग़ैर छने आटे का इस्तेमाल, रोज़ अपना जो है वो ब्रेकफास्ट उसमें सीरियल ग्रुप यानी कि कोई ना कोई दलिया या गेहूँ या उसके अलावा ज्वार, बाजरा, मकई, इसकी रोटी भी ले सकते हैं आप, इसका जो है दलिया भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ जो फ्रूट पोर्शन है उसको लेना मत भूलें, हैंडफुल ऑफ नट्स आप किसी भी एज ग्रुप में हैं किसी ना किसी तरह जो है उसको ज़रूर कंज्यूम करें। बदलते मौसम के साथ साथ बताती जाऊँ कि अंजीर को दूध में भिगो के ओवरनाइट रखें, और सुबह अगर उसका दूध या फिर अगर सिंपल पानी में भी आपको अगर एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप उसको पानी में भिगोएं तो भी आपकी जो बॉडी है वो बड़ी सुपर एक्टिव रहती है, और दिस इज़ लाइक अ फंक्शनल फूड। और जब भी हम बात करते हैं फंक्शनल फूड की तो तमाम वो खुराक इसमें आ जाती है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ हमें हेल्दी रखती है ताकि हम मुआशरे में अच्छी तरह से अपने काम अंजाम दे सकें, और ना सिर्फ ये बल्कि हेल्दी तरीके से सर्वाइव भी कर सकें, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी बीमारी कम प्रेवलेंट होती है आप उतनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ मैं जिक्र करना बिल्कुल ही भूलूँगी जो कि सीड ग्रुप है, जैसे फ्लैक्स सीड है यानी कि अलसी के बीज हो गए, या उसके अलावा सेसमी सीड हो गए, या इसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, तमाम सीड्स जो कि रिच होते हैं एंजाइम्स में, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स में, लिनोलिक एंड लिनोलिनिक एसिड में, और तमाम वो चीज़ें जो कि एंजाइम कोट हैं, और आप बड़े उस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर उस पर लगा रहे होते हैं, तो वो अक्सर क्या होता है जब आप उसको माइन्यूट अमाउंट में अगर थोड़ा थोड़ा भी डेली लेते हैं, किसी भी सीड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी में एसेंशियल ऑयल की कमी को पूरा करते हैं जो कि आपको ना सिर्फ वक्ती तौर पे एक्टिव करता है बल्कि आपको लेटर ऑन डिफरेंट बीमारियों से भी बचाता है। सो यहाँ कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं जो कि सीजनल चेंजेस की तरफ हमें नहीं लेके जाती हैं, और हम इनसे जो मौसमी तब्दीली है इससे भी बच सकते हैं, जिसमें एक तो अदरक और लहसुन का जो पानी है उसका इस्तेमाल आता है, पूरा दिन वो कंज्यूम करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी बीमारियों से बच सकें।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी हाइजेनिक कंडीशंस का ख्याल रखें, घर पे खाना किस तरह बन रहा है उसका ख्याल रखें, नेल शुड बी कट, हेयर शुड बी कवर्ड, ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप खाना बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं तो वो किन हाथों में बन रहा है बहुत ज़रूरी है, कि जर्म और माइक्रोबियल डेवलपमेंट जो है वो आपकी प्लेट से होती है, और जब भी आपकी प्लेट में कुछ भी कोई भी माइक्रोब होगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा, जो कि आपको कॉलरा और इस तरह की चीज़ों में लेके जाएगा। तो खुराक में बेरब्तगी और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ना किया गया वो भी आपको बीमारी की तरफ लेके जाता है। पर एक चीज़ याद रखें, जो बॉडी इम्यून होती है उसको बीमारी वो कम बीमारियों में आती है। सो वी शुड ईट अकॉर्डिंग टू द सीज़न। आपका इकोनॉमिक लेवल इसमें काउंट करता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस काउंट करती हैं कि कैसा मौसम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हर मौसम के साथ कुछ गज़ाई पहलू और कुछ गज़ा और गज़ाई से भरे हुए फल और सब्ज़ियाँ भी दी हैं। जैसे सर्दियों में हमारे पास ग्रेप फ्रूट होता है, ऑरेंजेस होते हैं, उसके अलावा हमारे पास हर तरह की बहुत ही खूबसूरत पॉमग्रेनेट होते हैं। इसी तरह बदलते मौसम के साथ हमारे पास स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं, और उसके अलावा कई ज़बरदस्त जो है और बड़े मज़े के स्पिनिच को लैड और उसके साथ साथ एप्पल्स मतलब सेब हो गए, केले हो गए, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो सीजनली जो आपको चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है उसको कंज्यूम करना, इसका बहुत एक ज़बरदस्त आप लोगों के लिए एडवाइस है। दूसरा, सेकेंड नंबर पे जो फूड प्रैक्टिसेस हैं, जो हेल्दी फूड चॉइसेस हैं, ये आप पे जाता है कि व्हाट यू आर सिलेक्टिंग। आपके पास बहुत फूड ऑप्शंस हैं पर आपकी अवेलेबिलिटी क्या, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। पर अपनी हेल्थ पे फूड करना अकॉर्डिंग टू द फूड सर्विस सिस्टम ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ बताती चलूँ कि क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ साथ आपकी बॉडी में भी चेंजेस आती हैं, आपका न्यूट्रिएंट इनटेक, आपकी जो न्यूट्रिएंट बर्नआउट टाइम होता है, फिजिकल एक्टिविटी, तमाम चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। और जो ह्यूमन बॉडी है इसको बेसिकली होस्ट करती है, यानी कोई भी आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट का इंटेक कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आपका जो है वो आपकी बॉडी में ट्रिगर आउट करता है। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसमें काउंट अप करते हैं कि आपका सोशल लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो फल सब्जियां और उसके अलावा डिफरेंट मीट पोर्शन, एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज योर अदर पोर्शन टू। तो यहाँ बताती चलूँ कि मतलब बेवक्त खाने की बजाय अगर सीजनली अगर हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम किया जाए तो ना सिर्फ आप हेल्दी रख सकते हैं बल्कि बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच जवेरिया।